हाय दोस्तों, आप विंडोज़ सर्वर 2022 जो न्यू वर्जन आया है उसका आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आपको विंडोज़ सर्वर का जो इंस्टॉलेशन फाइल है, जो आईओएस फाइल है, उसको ज़रूरत होगी। ये मेरा आईओएस फाइल है, मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ और आपको भी इसको डाउनलोड करना है तो आप मेरे कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर देंगे। और दोस्तों, आप आपका सिस्टम है डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा ये आईओएस फाइल देके। और आईओएस फाइल देके पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। और एक ही पेन ड्राइव के मल्टी बूटेबल कैसे बनाते हैं, विंडोज सर्वर, लिनक्स, मैक, कई तरह आईओएस फाइल रख के उसको कैसे बूटेबल बनाते हैं इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं अभी डायरेक्ट मेरा सिस्टम इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसको वीएमवेयर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों, आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करने के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप भी वीएमवेयर के थ्रू इंस्टॉल कीजिए। और दोस्तों, वीएमवेयर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक ही सिस्टम में मैक, विंडोज, लिनक्स, सर्वर कई तरह वो इंस्टॉल कर सकते हैं और एक ही साथ रन कर सकते हैं, एक अच्छा का लैब बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीएमवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं वीएमवेयर लॉन्च कर लिया तो आपको वीएमवेयर ओपन होने के बाद आपको तीनों ऑप्शन मिलेगा, ऐसी टाइप का तीनों ऑप्शन मिलेगा। मैं अभी नया इंस्टॉल करेंगे तो क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू में क्लिक करने के बाद बेसिकली मैं कस्टमाइज करके एक एक करके दिखाएंगे, कस्टमाइज करके यहाँ पर आप वर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वर्सन लेंगे कोई भी आप, मैं जो अपर वर्सन वही सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको जो आईओएस फाइल है जो डाउनलोड किया 2022 का वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं अभी पाथ उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको कौन सी सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट इसमें अभी 22 का अपडेट नहीं है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे आप एडिट कर दीजिए, 22 कर दीजिए। नीचे में जो ऑप्शन है आपका फिजिकली जो हार्ड डिस्क है उसका कौन सा लोकेशन में आपका जो इंस्टॉलेशन फाइल रहेगा वो कौन सा लोकेशन में रहेगा वो चूज कर सकते हैं। आप बाय डिफॉल्ट जो पाथ है वो भी रख सकते हैं, तो मैं उसको चेंज कर देते हैं, मेरा जो पेसिफिक है उसके करके। नेक्स्ट, इसके बाद आप फर्मवेयर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको अभी बायो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेसर सिलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोसेसर आप नॉर्मल सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो एक ही होगी, आप कोड 2-3 दे सकते हैं, आपको प्रोसेसर का टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको नहीं पता ये तो जो बाय डिफॉल्ट जैसे वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नेक्स्ट करके निकल जाइए। इसके बाद आएगा मेमोरी, आप मेमोरी कितना दे रहे हैं, मिनिमम आप 4GB दीजिए, 4GB का अब आप दे सकते हैं, अच्छा स्पीड मिलेगा, 4GB दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपको नेटवर्क टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नेट सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसके सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए इसका जी जो है। इसके बाद आएगा सिलेक्ट डिस्क, अब ऊपर वाला जो ऑप्शन है मतलब क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि हम आप लोग कभी वर्चुअल डिस्क क्रिएट करेंगे नया, तो अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप हार्ड डिस्क का कितना पेस देंगे वो इस ओएस के लिए, पर्टिकुलर इस ओएस के लिए, यहाँ पे आप अमाउंट दे के नेक्स्ट कीजिए, तो आपको इस हिसाब की भी दे सकते, मतलब 20 के अबव दे दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश, अब फिनिश करने के साथ साथ ही इसका एक प्रोफाइल बन जाएगा, पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन के उसके एक सेटिंग्स सेव हो जाएगा। यहाँ पे इस पार्ट में क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम आगे करते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। ऐसे सेम जैसे नॉर्मल डायरेक्ट सिस्टम इंस्टॉल करने का टाइम जैसे है वैसे ही यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। कोई यहाँ पे अभी करंट टाइम फॉर्मेट में इंडियन सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, जैसे विंडोज 10 11 जैसे इंस्टॉल करते हैं ऐसे वैसे सेम, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे आप अभी आपका प्रोडक्ट की देखिए एक्टिव करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो अभी यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। मैं इसको यहाँ पे आपको दो वर्सन मिलेगा, एक स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर। जैसे सब जानते हैं डाटा सेंटर में आपको सारा ऑप्शन मिलेगा, सारा सर्विस आपको एक्टिव मिलेगा। और यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से आप जिसमें आपका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लिखा है वो होगा आपका ग्राफिक्स मोड में, और उसी के ऊपर जो है वो है कोर वर्सन में मतलब CLI मोड में, आपको पूरा कमांड के थ्रू काम करना पड़ेगा। मैं अभी इसको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपग्रेड और कस्टमाइज, अब ऑब्वियसली हम कस्टमाइज करेंगे कि आपको नया इंस्टॉल करेंगे, आपको नहीं करेंगे अपडेट। यहाँ पे आप पार्टीशन सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई करके ओके, ये पार्टीशन बन गया।
अब दो पार्टीशन भी बना सकते हैं, मैं नेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। और दोस्तों सिस्टम में जो कई तरह प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं और सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम को कैसे प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करते हैं, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो आप पसंद है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों वीडियो का अभी स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगी। दोस्तों अभी मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो गया, मैं अभी सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अब आ गया। यहाँ पे आपका जो सर्वर का जो यूजर नेम रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अभी। आप भी यहाँ पे आप अभी कोई भी एक पासवर्ड सेट कर दीजिए जैसे याद रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। मेरा सेट कर दिया, यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कीजिए, जो पासवर्ड अभी दिया सेट किया था वही पासवर्ड टाइप करके हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन प्रोसेस चल रहा है, लॉगिन बस थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे भी बस मेरा लॉगिन हो गया, मैं थोड़ा इसको फास्ट प्रोडक्ट किया था, नहीं और भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब रैम ज़्यादा देंगे तो इसमें टाइम कम लगेगी, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में और भी आसानी होगी। ये सही है, ठीक है। अब सर्वर ऑन होने के साथ साथ ये सर्वर का जो मैनेजर है, जो डैशबोर्ड है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। जैसे ये थोड़ा ओपन हो गया, थोड़ा अभी लैक हो रहा है कि स्लो चल रहा है क्योंकि रैम थोड़ा कम दिया, और पहले जब ऑन होगा वो थोड़ा स्लो फील होगा। अब आपको भी जैसे पहला ऑन होने के टाइम अब टूल्स में जाएंगे तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सर इतना सारा सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको DHCP DNS एक्टिव डायरेक्टरी कुछ नहीं मिलेगा, उसका अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस या मैनेज में जाएंगे तो कैसे ऐड रोल फीचर्स, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन हो मैनेज का जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करके आप एक्टिव डायरेक्टरी DNS DHCP सारा इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जो फीचर्स हैं इस पर। और दोस्तों इस एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, DNS को कैसे इंस्टॉल करते हैं, DNS को कैसे क्रिएट करते हैं, DHCP को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा लेके एक सारा फीचर्स लेके एक मैंने वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए इसको अभी कैंसिल करते हैं, अभी चलते हैं लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर में आपको सारा जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे मिलेगा। मैं कोई डोमेन नहीं बनाया, इसीलिए जो वर्क ग्रुप है वही है, सिस्टम का नाम जो बाय डिफॉल्ट लिया वही ले लिया। यहाँ पे आपको लैन का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, लैन कौन सी मोड में है, और आपका सिस्टम में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, सारा चीज़ इसमें आप देख सकते हैं लोकल में। और आप ऑल सर्वर में जाएंगे तो आपको दूसरा कोई भी सर्वर इसमें ऐड है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी इसमें कोई ऐड नहीं है, जो मेरा सर्वर है वही शो कर रहा है। और दोस्तों दूसरा सर्वर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, उसका भी वीडियो मैंने जल्दी अपलोड करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस टाइप का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, दोस्तों एक तो लाइक बनता है, और दोस्तों आपका एक क्लिक से मेरे को मोटिवेट करेगी और आपको इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए टाटा बाय बाय।